नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। एक बड़ी खबर के साथ बात की शुरुआत करेंगे। 21 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल। जी हां, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है। सीएम की मंजूरी के बाद 21 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। 21 सितंबर से सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खोलने की तैयारी की जाए। बड़ी खबर उत्तराखंड के लोगों के लिए, सीएम की मंजूरी के बाद 21 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी, सरकारी और प्राइवेट दोनों। मुख्यमंत्री जी से परामर्श लेने के पश्चात आज मैंने अधिकारियों को, अपने सचिव को निर्देशित किया है कि 21 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सरकारी गैर सरकारी इन स्कूलों को खोल दिया जाए। चलिए अब हम सीधा रुख करेंगे देहरादून। पंकज राणा का हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। पंकज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश शिक्षा मंत्री का, क्या है तैयारी स्कूल खोलने की और अधिकारी किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 21 सितंबर में ज्यादा वक्त तो है नहीं। बिल्कुल अजय, देखिए बहुत कम समय बचा है तैयारियों को लेकर और संभवतः माना जा रहा है कि कल तक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे दोनों के बीच में ये बातचीत हुई है और बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है कि उत्तराखंड में जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल हैं वो अब खोल दिए जाएंगे। 21 सितंबर से ये स्कूल सभी खोल दिए जाएंगे। इसमें गैर सरकारी और सरकारी दोनों स्कूलों को शामिल किया गया है और इसमें बड़ी बात ये रखी गई है कि बच्चों को भेजने का जो निर्णय होगा वो अभिभावकों के ऊपर होगा कि अगर कोई अभिभावक चाहता है कि बच्चों को स्कूल जाना है तो वो भेज सकते हैं, अन्यथा वो अपने बच्चों को घर पे ही ऑनलाइन क्लास में शामिल करा सकते हैं। इस तरह का इसमें फैसला लिया गया है और संभवतः ये भी माना जा रहा है कि जो गैर सरकारी स्कूल हैं उनमें संख्या ज़्यादा हो सकती है, उसके आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि यदि संख्या ज़्यादा होती है बच्चों की तो सम विषम के आधार पर ही बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा। अभी हालांकि इसमें आदेश जारी होने हैं राजेंद्र, और इसके बाद ही ये तय होगा कि किस तरह से जो शिक्षा विभाग है इसने तैयारी की है। इसमें एक बात और भी ये है कि 15 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली थी उसमें इसका प्रस्ताव आना था, हालांकि 15 तारीख की जो कैबिनेट बैठक थी वो किसी कारणों से स्थगित हो गई और आज अरविंद पांडे ने मुख्यमंत्री से बातचीत की और बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया है कि अब 21 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्योंकि तीसरी लहर का भी राजेंद्र पूरी तरह से बना हुआ है कि तीसरी लहर कभी भी उत्तराखंड में आ सकती है, पूरे देश भर में हो सकती है, उससे किस तरह से बच्चों को बचाया जाएगा, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, इन तमाम चीज़ों की तैयारियों के साथ साथ स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है और शिक्षा विभाग की किस तरह की तैयारियां हैं ये देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों। बिल्कुल ठीक है, आपने ये देखना बहुत दिलचस्प कि आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग कैसे तैयारी करके कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को खोलता है। हमारे साथ बने रहिए पंकज राणा। आगे बढ़ते हैं, चार धाम पर आने की सोच रहे श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। चार धाम यात्रा कल से शुरू होने जा रही है और इसको लेकर सरकार ने तैयारियों को आखिरी रूप दे दिया है। चार धाम यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों को देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके बाद ही तीर्थ यात्रियों को यात्रा की परमिशन दी जाएगी। मगर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या फिलहाल निर्धारित रहेगी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही श्रद्धालुओं को यात्रा पर आने और दर्शनों की इजाजत दी जाएगी। तो अच्छी खबर उन यात्रियों के लिए, उन तीर्थ यात्रियों के लिए चार धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं, कल से इसकी शुरुआत हो रही है। चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है, इसमें हमारी जो वेबसाइट है वो है badrinath-kedarnath.government.in। हाईकोर्ट ने जो हमें अनुमति दी है वो सशर्त दी है और हमें SOP की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। तो मैं सभी जो हमारे भक्तगण हैं, जो चारधाम यात्री हैं, सबसे आग्रह करूंगा कि अपना रजिस्ट्रेशन करा करके और यात्रा का प्रारंभ करें। चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले से हरिद्वार के व्यापारी भी खुश हैं। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से उनका कारोबार चौपट हो चुका है और ऐसे में हाईकोर्ट का ये फैसला उनके लिए बहुत राहत देने वाला है। अरे बड़े भाई साहब, कोई तो खिला दो। साई से जुड़े हुए हैं तो लाखों लोगों के लिए राहत होगी। जो भी चारधाम यात्रा क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो गाड़ी वाले हों, होटल वाले हों, दुकान वाले हों, ढाबे वाले हों, गर्म कपड़े का सामान बेचने वाले हों, या कोई भी पंचर वाले हों, कंडी डंडी वाले हों, उन सब में आज खुशी की लहर है। इस चीज़ से अभिभूत हैं कि वो दोबारा से चारधाम यात्रा शुरू होती देख पाएंगे।
उधर चारधाम यात्रा शुरू होने पर भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये देश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मसला है और इसीलिए सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। देश में जो 80-85% हिंदू है उनके भावना का प्रतीक है, इसीलिए ऑलमोस्ट 900 करोड़ का भारत सरकार से उधर प्रोजेक्ट हम लेके चार धाम यात्रा सुरक्षित हो, सुलभ हो, सुचारू रूप से हो, यात्रार्थियों को कम से कम तकलीफ हो, ये सोच के मोदी सरकार आने के बाद नियरली अबाउट 900 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने लिया है, काम भी उधर चल रहा है। और हेमकुंड साहिब की यात्रा भी कल से शुरू होने जा रही है, इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। हेमकुंड जाने वाले श्रद्धालुओं को ऋषिकेश में पंजीकरण कराना होगा और उसी के आधार पर उन्हें यात्रा पर जाने की इजाजत मिलेगी। फिलहाल हेमकुंड साहिब में एक दिन में सिर्फ 1000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। सभी श्रद्धालुओं से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसको फॉलो करें और खास करके जो भी यात्री हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए आएंगे वह ऋषिकेश में ट्रस्ट के कार्यालय से अपना पंजीकरण करके यहाँ से पंजीकरण का कार्ड लेके तभी ऊपर के लिए प्रस्थान करें, अन्यथा उनको रास्ते में रोका जाएगा और वो परेशान होंगे। तो कल से यात्रा शुरू होने जा रही है हेमकुंड साहिब की भी। पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज जी, अभी मैंने दर्शकों को बताया कि कल से यात्रा शुरू हो रही है और ऋषिकेश में इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन ये निर्णय अभी आया है सामने, ये घोषणा अभी हुई है, तो किस तादाद में यात्री पहुँच सकते हैं हेमकुंड साहिब में दर्शनों के लिए, मत्था टेकने के लिए, इसका क्या आकलन है वहाँ पर प्रशासन का और तमाम लोगों का? देखिए राजेंद्र, काफ़ी लंबे समय से यात्री इंतजार कर रहे थे, चाहे हम चारधाम बात यात्रा की बात करें या फिर हेमकुंड साहिब की बात करें। लगभग पिछले 4 महीने से लोग इस इंतजार में थे कि चारधाम यात्रा खुले, हेमकुंड साहिब यात्रा खुले और वो यात्रा पर निकलें। तो संभावना इस तरह की जताई जा रही है कि भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख करेंगे और उनको, क्योंकि हाईकोर्ट ने संख्या निर्धारित की है और सभी में संदेश चला गया है कि 1000 से ज़्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में नहीं जाएंगे पहले दिन, तो इस तरह की संख्या निर्धारित की गई है, उसी हिसाब से यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था ये बना रही है कि अगर कोई भी यात्री आता है हेमकुंड में, क्योंकि ऋषिकेश में इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और 1000 से ज्यादा यात्रियों को ऋषिकेश से आगे भेजने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं होगी। ऋषिकेश में यात्रियों को रुकना होगा, हरिद्वार में रुकना होगा, देहरादून में रुकना होगा। जो यात्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आएंगे उनके रजिस्ट्रेशन के बाद ही आगे भेजा जाएगा। इस तरह की व्यवस्था चारधाम यात्रा के लिए भी की जा रही है। 400, 600, 800 और 1000 यात्रियों को आगे भेजने की परमिशन दी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि परमिशन के आधार पर ही आगे यात्रियों को जाने को आगे की अनुमति मिलेगी कि किस तरह से यात्रियों को जाना है, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा होने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए सरकार अपने स्तर से, चाहे KMBN गेस्ट हाउस की बात करें, GMBN गेस्ट हाउस की बात करें, या हम जो अब अन्य सरकारी गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं, वो लगातार व्यवस्थाओं के लिए चाक चौबंद किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें चारधाम यात्रा मार्गों पर आगे जाने से रोका जाए और उनको ये समझाया जाए कि ज्यादा संख्या ऊपर नहीं जा सकती है, कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखना है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते ही सरकार SOP जारी करेगी और उसके बाद आगे की व्यवस्था बनाई जाएगी। राजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज झा इन तमाम जानकारियों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। पूर्व CM त्रिवेंद्र रावत ने ढेंचा बीच के बहाने हरक सिंह पर तंज कसा था, इस पर हरक सिंह रावत ने पलटवार किया। कि मैं कोई राजनीतिक पंडित नहीं हूँ, मैं राजनीतिक धुरंधर नहीं हूँ और मैंने तो केवल या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया है या भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, मुझे राजनीतिक दलों का भी अनुभव नहीं है कि किस दल में क्या होता है, किस दल के क्या संस्कार होते हैं, तो मेरे को तो भी अनुभव नहीं है। मैं तो सीधा सपाट एक लाइन में चल रहा हूँ और उसी लाइन पर मुझे आगे बढ़ना है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। इसका जितना ज्ञान होता है और जिसको इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं और मैंने कभी भी, चाहे हरीश रावत जी वो और चाहे कितनी लड़ाई को ना, ठीक है व्यक्तिगत रूप से मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ना व्यक्तिगत कभी टिप्पणी की है, ना मैंने कभी किसी के खिलाफ
बिलो बेल्ट रह कर काम किया है। और क्योंकि सबके घर जब विशेषकर जिनके घर कांच के होते हैं उनको दूसरों के घरों पर पत्थर डालने का अधिकार भी नहीं। आखिर में कही गए हरक सिंह रावत जो उन्हें कहना था। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के दौरे पर पहुंचे भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कोर कमेटी की बैठक ली। इस दौरान नेताओं को गलत बयानबाजी से बचने की उन्होंने नसीहत दी। प्रहलाद जोशी ने कहा कि 2022 के चुनाव में सभी एकजुट होकर लगने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगा और अच्छे काम होगा। और बहुत अच्छा सुझाव कोर कमेटी में सभी नेताओं ने दिया है, वो सब एक आकलन करके उसके कार्यान्वयन हम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ समस्या नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं ना कोर कमेटी, ये बयानबाजी, ये सब कुछ नहीं है। कभी कभी कोई ऐसी छुटपुट घटनाएं हो गई होंगी तो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी है और अनुशासन के कारण ही आज हम विश्व की नंबर एक की पार्टी बने। ये तो रूटीन की बैठक है, पहली बार प्रभारी जी आए थे, एक किस्म से परिचय ही आज हुआ है। एक अच्छा हमारे सभी लोगों में, कोर कमेटी के लोगों में भी उत्साह है और यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं सभी लोगों के आने से एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। साथ में दो सह प्रभारी भी आए हैं, आरपी सिंह जी जो कि लंबे समय से वो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बड़े तेज तर्रार नेता हैं, और लाकेट चटर्जी वो भी जो है बंगाल की एक अच्छी हमारी नेत्री हैं जो बड़े जज्बे के साथ वहाँ पर काम करती हैं। इन सभी के आने का लाभ हम लोगों को मिलेगा। तो भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आपके बिजली पर दिए गए बयान पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने भाजपा पर प्रहार किया। सिंह रावत जी ने कहा कि मैंने त्रिवेंद्र जी को बचाया, हरीश रावत जी कह रहे हैं मैंने उनको बचाया, तो ये दोनों का घालमेल दिखाता है कि ये स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होगी तो वो कांग्रेस के करप्ट नेताओं को बचाएगी और कांग्रेस की जब सरकार होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के करप्ट नेताओं को बचाएगी। तो ये दोनों दिखाता है कि दोनों एक ही पार्टी हैं और उनके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। जनता यही नहीं तय कर पा रही आज तक कि कौन किधर है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन को भाजपा सेवा दिवस के रूप में मना रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोनेशन अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल बांटे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। और पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सीएम धामी ने पौधारोपण किया। सीएम धामी ने पौधा लगाकर वृक्षारोपण का भी संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पौधारोपण कर प्रकृति रूपी माँ से उनके जीवन में शुभता और आरोग्य की कामना की। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ और गंगोत्री धाम में विशेष पूजा की। सीएम ने यह पूजा अर्चना वर्चुअल माध्यम से जुड़कर की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और उनके दीर्घायु की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन पर भाजपा के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। रुड़की में झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर डांस करते दिखाई दिए। विधायक देशराज कर्णवाल का डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर भाजपा जश्न मना रही है। वहीं दूसरी ओर देहरादून में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बेरोजगारी स्टॉल लगाकर अपना विरोध जाहिर किया। राजधानी देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ता पकौड़ी तल रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ठेला लगाया है और इस ठेले पर पकौड़ियां तली जा रही हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर जहां एक तरफ भाजपा कार्यक्रम आयोजित कर रही है तो वहीं यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे को हवा दी है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ठेले पर पकौड़ी, गोलगप्पे और सब्जियां बेचकर विरोध जताया। यहाँ देखिए सड़कों के बाहर जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने स्टॉल लगाए हैं और ये तमाम जो आप जो फड़ देख रहे हैं ये सब्जी बेची जा रही हैं, इधर गोलगप्पे बेचे जा रहे हैं, उधर पकौड़ियाँ तली जा रही हैं। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जनता के बीच में ये बताने की कोशिश की है कि भाजपा ने पिछले साढ़े चार साल में राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने युवाओं को छलने का काम किया है। आज हम लोग मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में मना रहे हैं क्योंकि आज हम लोग मानते हैं कि मोदी जी जिम्मेदार हैं हमारी पूरी बेरोजगारी के लिए। हमारे देश का बेरोजगारी दर लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि देश भर में बेरोजगारी बढ़ रही है मगर सरकार इस पर गंभीरता से विचार करने के बजाय जश्न मना रही है। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और ठेला लगाकर विरोध जताया। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बन रहे सियासी माहौल को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज राणा। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रभारी जी, यूथ कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम था, भाजपा कह रही है सेवा दिवस, आप कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं, रोजगार बेरोजगारी है। मुझे समझ नहीं आता कि माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने 7 साल पहले एक वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे हर साल, आज पूरी तरीके से हमारा जो युवा साथी है वो बेरोजगार है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपना रोजी रोटी के लिए। आज घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। बड़ी उम्मीद के साथ माँ बाप ने अपना पेट काट कर उनको पढ़ाया लिखाया इस उम्मीद में कि वो बच्चा बड़ा होगा, उसको रोजगार मिलेगा और वो पूरे घर को चलाने का काम करेगा। लेकिन आज पूरी तरीके से निराशा होती है जब बेरोजगारी दर 27% उत्तराखंड में पहुंच जाती है और हमारे प्रदेश का हर चौथा युवा बेरोजगार आज सड़कों पर घूम रहा है। तो किस प्रकार की सेवा वो करना चाहते हैं, ये केंद्रीय सरकार के अक्टूबर 2020 के वो आंकड़े हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। किस उपलब्धि की बात करना चाहते हैं हमारी समझ में आता नहीं है। आज महंगाई चरम पर है, आज बेरोजगार परेशान है, आज हमारा व्यापारी परेशान है, आज हमारा रेडी पटरी और दुकानदार परेशान है, आज हमारा फार्मर पिछले 1 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो कौन सी उपलब्धियाँ ऐसी हैं जिसकी वो बखान करना चाहते हैं। यादव जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में बेरोजगारी दर को लेकर लगातार हल्ला किया जाएगा, यूथ कांग्रेस प्रदेश भर में इसको लेकर आंदोलन छेड़ेगी और जिस तरह से भाजपा लगातार नाकाम रही है रोजगार देने में उसको लेकर कांग्रेस घर घर जाकर भाजपा की नाकामियों को समझाने की कोशिश करेगी। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और इसी खबर के साथ हम रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। कमिंग अप प्रेजेंटेड बाय इको प्लस सीमेंट एंड स्टील, लगाइए खुशियों को घर लाइए। सेविंग्स उड़ा देंगे, गहने बेच देंगे, अरे घर बेच देंगे यार, लेकिन इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं देंगे। उल्लू मत बनो अंकल, policybazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस